सलफ, ठीक। तो मैं कोई नई इस्तिलाह नई बात नहीं कह रहा हूँ, फ़िका की किताबें उठाइए, कदीम ज़माने की किताबें उठाइए, ये कौल आपको बार बार मिलेंगे, सलफ़ के मुताबिक ये बात ऐसी थी, खलफ ने ये बात फरमाई है, ये मिलेंगे आपको बिल्कुल। आप बोलेंगे सलफ़ और खलफ क्या है? खलफ़ वो जिसने सलफ़ की मुखालफत की, तो सलफ़ की राय है, खलफ़ की राय है। अहले हदीस ये कहते हैं, अहले राय ये कहते हैं, ये बात भी कदीम है, ये कोई आज की नहीं है, उस ज़माने में मिलेंगे आप। मतलब वो लोग जो हदीस को मानने वाले उनका दावा ये था, और जो अहले राय वो लोग जो हदीस नहीं अपनी राय पेश करते थे उनका मामला ये था। तो सलफ़ की जब हम बात करते हैं, हदीस की जब बात करते हैं, अहले हदीस मतलब हदीस को मानने वालों की बात करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, कदीम बात कर रहे हैं। सहाबा के बाद के दौर के लोग अपने आप को यूँ ही तोड़ा, सलफ़ से हट कर अमल किया, खलफ़ में कहलाए, हदीस से हट कर अमल किया जो है क़यास और दीगर चीज़ों के ऊपर, जबकि किताब व सुन्नत की वाज़ह दलाइल मौजूद थे। हाँ, मौजूद नहीं होने की शक्ल में क़यास और वो तमाम चीज़ें भी दुरुस्त है, वो होने के बाद भी जिसने इख्तलाफ किया तो जाहिर सी बात है फिर वो अहलुर राय कहलाए, राय पे अमल करने वाले। तो बहरहाल सलफ़ से मुराद सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, जिनकी तो गवाही खुद हदीस में आ गई, और उसके बाद के नेक लोग जो इनके तरीक़े पर चले, ये आज के हों या पहले, ये कहलाएँगे सलफ़ या सलफ़ी। समझ रहे हैं बात को? तो ये माना हुआ सलफ़।